नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। 3 दिन तक चले विधानसभा मानसून सत्र के दौरान हरियाणा में कुल 11 विधेयक पारित हुए हैं। मानसून सत्र में 3 दिन में 15 घंटे 34 मिनट तक चर्चा हुई। आइए बताते हैं आपको विधेयक जो पारित हुए हैं। हरियाणा लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति द्वितीय संशोधन विधेयक 2021, पंडित लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक विधेयक 2021, हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं व अवसंरचनाओं का प्रावधान विशेष उपबंध विधेयक 2021, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल विधेयक 2021 के तहत नए नाम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल से जाना जाएगा। किसान व भूमि मालिकों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार विधेयक 2021, विकास के स्थायी प्रबंधन के लिए पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2021, करदाताओं की कठिनाइयों के निवारण हेतु हरियाणा माल और सेवा कर विधेयक 2021, परीक्षाओं में होने वाली नकल पर रोक लगाने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा विधेयक 2021, पात्र परिवारों को पारदर्शिता व सरलता से लाभ देने हेतु हरियाणा परिवार पहचान विधेयक 2021, उपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबंधन करने हेतु हरियाणा विनियोग विधेयक 2021। विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में तीखी बहस हुई। विपक्ष ने मानसून सत्र में विधानसभा में सत्ता पक्ष को जमकर घेरा और ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की आंकड़े मांगे। साथ ही राकेश दौलताबाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए जलभराव का मुद्दा भी उठाया। मेरा ये अनुरोध है कि मैं, मेरा अधिकार है ये, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को अनुरोध कर सकता हूँ कि निवेदन कर सकता हूँ कि आप हमारे को अश्योर करो। मैं हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा, जांच कराऊंगा कितने ऑक्सीजन से मरे हैं, कितने कोरोना से मरे हैं। ये फर्स्ट फिक्र जो आई है, सारे हिंदुस्तान के अखबारों में छपी है, उसकी हकीकत क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? आप अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है, आपका रिकॉर्ड हो गया अनुरोध, लेकिन अनुरोध आपका रिकॉर्ड हो गया। देखिए, अब मुझे वैसे तो मैं अलग से, अगर मुझे समय मिलता तो सारी रिपोर्ट्स ला करके आपके सामने रखता, लेकिन इमीडिएटली जो जानकारियां मिली हैं उस जानकारियों में पहली बात तो है कि ये विषय हिसार में उठा, ये विषय गुरुग्राम में उठा, ये विषय रेवाड़ी में उठा। हाँ, सब जगह, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तीनों स्थान बता दिया ना मैंने, ये गुरुग्राम में उठा, ये रेवाड़ी में उठा, ये हिसार में उठा, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई है। और दो जगह तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी आ गया कि उस प्रकार की सच्चाई कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से कोई डेथ हुई है, जिसमें गुरुग्राम की भी रिपोर्ट ये है और रेवाड़ी की भी है। जहां तक हिसार की बात है, हिसार में सोनी हॉस्पिटल, हिसार में सोनी, अब हमारे पास तो भाई ऑक्सीजन से कहां हुई है? आप थे, मैं तो नहीं था। ऐसे अखबार में लिखने की रिपोर्ट आई होगी, वही तो मैं कहूंगा। देखिए, 15-13 हजार मौजूद था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है या कोविड से हुई है? कोविड से हुई है या ऑक्सीजन की कमी से? हरियाणा में कोविड के कारण से लगभग 13,000 मृत्यु हुई है, जिसमें से 9,500 मृत्यु तो हरियाणा के लोगों की है, 3,500 लोग ऐसे हैं जो हरियाणा के बाहर के हैं। ये टोटल आंकड़ा जो रिपोर्टेड है। अब हर मौत तो हमें से किसी ने नहीं देखी है, हर अस्पताल में हमें से कोई नहीं था। जिस प्रकार की उस समय परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने हर संभव प्रयत्न किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई हर हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहे। जहां तक सोनी हॉस्पिटल हिसार की बात है, वहां की रिपोर्ट भी जो आई है, मेरे पास नेग्लिजेंस बोर्ड जो डॉक्टर्स का बना है उनकी भी रिपोर्ट है, और जो मजिस्ट्रियल बोर्ड है एसडीएम की भी जो रिपोर्ट है वो भी उसमें मिली है। इसके अंदर एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि लापरवाही, नेग्लिजेंस है, जिस नेग्लिजेंस के कारण से और वो वहां जो मृत्यु हुई है, अगर आप कहें तो मैं उसको सारे को पढ़ के बता देता हूं। संबंधित डॉक्टर द्वारा बताया गया
कि स्वयं 24 घंटे अस्पताल में उपस्थित रहता है, वह सर्जन होने के नाते उसे मरीजों के इलाज और ऑपरेशन आदि का पूर्ण ज्ञान है। सर्जन होने के कारण उस द्वारा लगभग आपातकाल मरीजों को ही डील किया जाता है। आपातकाल में ऑन कॉल डॉक्टर की सुविधा है। जांच के दौरान अनिल कुमार भाटिया एमडी मेडिसिन ने बयान किया कि सेवक सभा हॉस्पिटल फिजिशियन कार्यरत है, उसे संबंधित हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बुलाया जाता है, वह मौके पर हाजिर होते हैं। घटना की रात को उनसे संपर्क नहीं किया गया, इसलिए मौके पर उपस्थित नहीं थे। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि भारत सरकार ने मेवात को सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना था, उसी के पश्चात मेवात के लिए 5 आरोही स्कूल दिए गए थे। हमारे यहां पर 5 ब्लॉक हैं, जहां पर 153 टीचर्स की सैंक्शन थी, जिसमें से मात्र 24 टीचर पढ़ाते हैं, 129 खाली हैं। 5 प्रिंसिपल्स थे, जिनमें से एक प्रिंसिपल नगीना आरोही स्कूल में था, वो भी डेपुटेशन पे पंचकुला भेज दिया गया है डाइट में। मुझे लगता है शायद मेवा से ज्यादा यहां पंचकुला को जरूरत है। अच्छी बात है यहां भी, लेकिन मेवात का भी उतना ही हक है। उसके साथ साथ जब इसको जो स्कूलों को सुविधा दी गई थी आरोहियों को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों के बराबर की सुविधा दी गई थी। ये कहा गया था जब टीचर्स भर्ती किए गए थे 5 साल पहले कि आपको ये जो टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं रेगुलर कर दिए जाएंगे, जिनके 5 साल हो जाएंगे, मगर आज तक उनको रेगुलर नहीं किया गया है। इनकी सैलरी जब 2011 में ये शुरू हुए थे 60,000 थी, उनकी सैलरी घटा के अब तकरीबन 20,000 कर दी गई है। पहले तो सरकार कहती रही कि हम इनको पक्का करेंगे, मगर कुछ दिन पहले एफसी ने लेटर इशू कर दिया कि आपको पक्का नहीं किया जाएगा। नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से भी कि मंत्री जी, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मेवात में चल रहे 5 आरोही स्कूल मॉडल 2011 से चल रहे हैं, अभी तक इन 5 स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ हैं, लेकिन आज तक ये रेगुलर भर्ती में नहीं की गई है। और यह भी बताया जाए कि जो 153 टीचर्स स्टाफ के लगे हुए हैं, इनकी कब तक इनको रेगुलर कर दिया जाएगा, और जो प्रिंसिपल्स की 5 पोस्ट खाली हैं, इनको कब तक भर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2020 के बजट सत्र में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री से मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो उनसे मैंने ये पूछा था कि जो मेवात में कम से कम 50-60% जो सीटें खाली हैं टीचर्स की, उनको कब तक भर दिया जाएगा। मंत्री जी ने कहा था कि कम से कम आने वाले 6 महीने में हम ये सीटें फिलिप कर दिए करेंगे आपकी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि वो 6 महीना की कौन सी तारीख है, हम कौन सी तारीख माने कि आज से लेकर के नहीं, कब 6 महीना आपके पूरे होंगे, मुझे ये मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी ने जो सवाल था वो तो अलग था, लेकिन उन्होंने नई दूसरी बात और रखी मेरे सामने कि 2012-13 में अलग अलग कैटेगरी के 2,232 पोस्टों की स्वीकृति दी गई थी आरोही स्कूलों में। हरियाणा आरोही मॉडल स्कूल सोसाइटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर ये भर्ती की गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती पहले टाइम में की गई, हमारे टाइम में नहीं की गई। और अब जब ये 2013 में स्वीकृत किए गए 2,232 पद फाइनेंस विभाग के पास हमने 13-7-21 को वापस ले लिए, फाइनेंस विभाग ने को इस स्वीकृति को वापस ले लिया, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-8-21 को रही स्कूलों में कार्यरत सभी स्टाफ के पदों को स्वीकृति देने के बारे में स्कूल एजुकेशन तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई दी, जो शीघ्र ही इस विषय पर कार्य करके निर्णय लेगी और स्टाफ के पदों को स्वीकृत किया जाएगा। और आगे आने वाले टाइम में हम इन सारे स्कूलों को मॉडर्न संस्कृति स्कूल के पैटर्न पे ही लेने जा रहे हैं, तो उसमें इनको काफी लाभ मिलेगा। मेरा एक और क्वेश्चन जी, मैं ये बताना चाहता हूँ स्पीकर सर आपके माध्यम से कि मेवात हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। NCR के नजदीक होते हुए भी दिया तले अंधेरा है, जो देखने वाला है वो मेवात एरिया है। आप सब जिलों को अपलिफ्ट करते हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे इंडस्ट्री ले रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, जो भी कुछ हो सब जिलों में, लेकिन इस मेवात को एजुकेशन में भी आप इतना ही पिछड़
दे रहे हो जितना पहले था। क्या सरकार की कोई ऐसी मंशा है इस जिले को भी और जिलों के बराबर लाने की कोशिश कर रही है सरकार, ये बताएं मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेवात की डेवलपमेंट में कोई कोर कसर नहीं छूटी जाएगी। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो है कोरोना काल में वो शिक्षा विभाग है। जैसा आपने भी प्रश्न किया कि अभी भर्ती नहीं है, तो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होया तो वो शिक्षा विभाग है। और स्कूल उसकी वजह से बंद रहे, इसी वजह से आगे भर्तियों की प्रक्रिया भी मेरी शुरू नहीं हुई। मैं आपको विश्वास करता हूँ जल्दी हम इस पर निर्णय लेंगे। बस ये डेट बता दो जी, 6 महीने की मुझे लास्ट सर प्लीज। नहीं यार वही डेट बता दो स्पीकर सर, हमारे को डेट बता दे 6 महीना में कब भर्ती हो जाएगी, और कुछ नहीं सर। नहीं अरोही नहीं, मेवात, अरोही तो पूरे हरियाणा में है जी, मेवात की बात। अध्यक्ष जी धन्यवाद। हमारे भाई मामन खान जी ने मेवात नू से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा कि उनकी रेगुलर भर्ती कब कर दी जाएगी। मंत्री जी ने कहा कि कोई प्रावधान अभी नहीं कर रहे हैं। 2018 में विभाग ने ये चिट्ठी जारी की कि जिस समय ये आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में 36 मॉडल स्कूल्स भारत सरकार ने जिनको राष्ट्रीय स्तर पर बैकवर्ड ब्लॉक डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें हमारे 5 नूह के भी हैं, 2-3 पलवल के, कुल मिला के 36 हैं। गवर्नमेंट ने एक भी, अध्यक्ष माने मंत्री जी, एक भी स्कूल नया नहीं बनाया। लेकिन आपने जो 2232 पोस्ट आपने कहा जो सेंक्शन हुई, उसके बाद हम लोगों ने क्योंकि नए स्कूल बने थे इनकी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की। ये आपके विभाग का पत्र है जिसमें लिखा गया है कि 5 साल की जब ये कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज कर लेंगे तो इनको हम लोग रेगुलर कर देंगे। अध्यक्ष जी, इनको 2013 में 6th pay कमीशन मिल गया था और 2017 में 7th pay कमीशन भी की अनाउंसमेंट हो गई थी सरकार ने, आने के बाद इनको लागू उस समय नहीं किया। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से ये अनुरोध है, आपने ना कह दिया नूह मेवात एक तो बैकवर्ड ब्लॉक है, दूसरा माइनॉरिटी है, इससे ज्यादा पिछड़ा और बुरी हालत क्या होगी। आज तक भी जो आरोही मॉडल स्कूल के कर्मचारी हैं अध्यक्ष जी, जिसमें 16 केवल मात्र आज जो है 16 प्रिंसिपल हैं, 297 पीजीटी हैं और 22 लाइब्रेरियन हैं, जबकि 36 के 36 स्कूलों में प्रिंसिपल्स की पोस्ट सेंक्शन है, 756 पीजीटीज की हैं और 576 टीजीटीज की हैं। आपने आज तक ना तो रेगुलर भर्ती की, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको आपने ये कहकर आश्वासन दिया था कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में बताना चाहती हूँ, बहुत सारे आरोही के टीचर्स की रेगुलर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत उनकी पीजीटी में सिलेक्शन हो गई थी। विभाग ने उनको ये आश्वासन दिया कि आप आरोही मॉडल स्कूल्स को छोड़कर ना जाएं, आपको रेगुलर जैसा ही रखा जाएगा। उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, वहां पर ज्वाइन नहीं दिया, और इसका भी पत्र है जिसमें उन्होंने कहा गया कि आपको रेगुलर माना जाएगा। आज आरोही मॉडल स्कूल जो हमारे हरियाणा बोर्ड भी टॉप करते हैं, नेशनल लेवल पर भी टॉप करते हैं, उनकी दुर्गति हो चुकी है। 2 साल पहले रिटर्न एग्जाम हुआ मंत्री जी, 2 साल पहले रिटर्न एग्जाम हुआ, आज तक भी उसके नतीजे घोषित नहीं किए, और एक भी मॉडल स्कूल 7 साल की सरकार के दौरान मंत्री जी एक भी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में स्कूल हम लोग लेकर नहीं आए। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, सेंट्रल स्कूल के पैटर्न पर भारत सरकार ने हरियाणा में जो स्कूल शुरू किए थे, मेरा आपसे अनुरोध है कृपया आप आरोही मॉडल स्कूल का जो और ये सभी के सभी नेट एचटेट और पीएचडी क्वालिफाइड है, जिसका कि सोसाइटी के माध्यम से मेरिट बेसिस पर इनका सिलेक्शन हुआ है, तो मेरा आपसे अनुरोध है ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो क्या यही हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है? आपने कहा 2025 तक हम इसको लागू कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है काइंडली आप इनके रेगुलराइजेशन और इनके 7th pay के बारे में बताएं, और जो एफडी ने ये लेटर लिखा है कि हम आपको रेगुलर कर्मचारी नहीं मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट पे, इस पे भी काइंडली मंत्री जी आप स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहन जी, मैंने जो मम्मन खान जी ने प्रश्न किया था उसमें ना गया, उनका प्रश्न इसी प्रकार से था। अभी आपने कहा कि हमने 36 स्कूल खोले थे, आपने एक मिनट बहन जी मेरी बात सुनिए, आपने कहा हमने 36 स्कूल खोले थे, आपने क्या खोला? हमने मॉडर्न संस्कृत स्कूल 115 खोल दिए, आपने केवल 22 खोल ले। अगर आप इस सारे को भी ले लें तो नहीं, आप जरूरी नहीं है। हमने अध्यक्ष महोदय हमने आरोही को भी, एक मिनट बहन जी सुन तो लेना मेरी बात, आप एक मिनट, किसका किया है अध्यक्ष जी? एक सिंगल अपॉइंटमेंट भी गीता जी, गीता जी, हमने ये चर्चा का समय नहीं है। कोरोना की समस्या कोई केवल यानी है, पूरे दुनिया में सारे देश में है समस्या, उसकी वजह से समस्या है। दूसरी बात, एक मिनट
अभी अभी सवाल का जवाब तो सुन लो, अभी सवाल का जवाब तो सुन लो। अब जब इन्होंने स्कूल खोले केंद्रीय स्कूल की तरह पे, जो पिछड़े ब्लॉक थे उनमें 10 जिलों में 36 खोले गए थे, 75% केंद्र सरकार दे रही थी, 25% स्टेट दे रहा था। प्रत्येक स्कूल में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी कि 11वीं 12वीं की स्कूल जो क्लासें थी वो शुरू कर दी। 2011-12 में स्टाफ अलग अलग जिलों में बनाई कमेटी के माध्यम से रखा गया। और 2013 का मैंने आपसे बता दिया कि आपने एक सोसाइटी है उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे रखे। 2015-16 में केंद्र सरकार ने एक स्कीम में अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट सपोर्ट वापस ले ली, हरियाणा सरकार ने उसके बाद चलाना शुरू कर दिया। 2015-16 है आपका टाइम नहीं, हमारा टाइम है क्या? 2015-16 में फाइनेंस सपोर्ट बंद कर दी, हमने चालू कर दिया। जिले में अलग अलग दो कमेटियों को समाप्त करके स्टेट लेवल की कमेटी बनाई दी 2017 में, उसने बाईलॉज बनाई दी। 2018-19 में हमने स्कूलों में छठी से लेके और 12वीं तक वो सारे बच्चे कर दिए। और आज हमारे पास 36 स्कूलों में 10,673 विद्यार्थी जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा आपने नहीं किया, आपने भी अच्छा किया, लेकिन हमने उसको आपने जो प्रश्न किया था मैं उसका जवाब दे रहा, हमने आपके से 4 गुना ज्यादा पढ़ा दिया। हमारी संख्या भी अगर आप देखोगे विद्यार्थियों की, मेरे पास संख्या नहीं, हमारी संख्या भी उससे 4 गुणा ज्यादा मंत्री, उसमें कोई कमी नहीं। टीचर्स तो है नहीं, पढ़ाई कहां से, आप टीचर्स तो है नहीं सर, अध्यक्ष महोदय पढ़ाई कहां से। जहां तक पदों की बात आपने कही ये सही है कि वो गलती उस टाइम की थी कि आपने ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, नियम बदल गए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो स्वीकृति वापस ले ली, इस करके वो सारा का सारा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने स्कूल एजुकेशन तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी और निश्चित तौर से उनके पक्ष में करेंगे और हम आगे लेके मॉडर्न संस्कृत स्कूल के साथ जोड़ने दें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट दी है इन्होंने, कुल कितनी पोस्टें आज डिपार्टमेंट वाइज रिक्त हैं, खाली कितनी है डिपार्टमेंट वाइज? एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही कितने टीचर्स की जरूरत है, बिजली बोर्ड में कितने टीचर्स की जरूरत है, एक तो ये डिटेल बताएं मुझे। एक स्टेट में जो बेरोजगारी की दर है वो बताए कितनी बेरोजगारी की दर है, और साढ़े मैं एम्प्लॉयमेंट में पूछा कितनी दी है, कितनी बकाई है। आपने प्रश्न ये पूछा है कि रोजगार की विभागवार संख्या कितनी, 8.5 लाख बेरोजगार तो विभागवार पूछा ना, 8.5 लाख एक मिनट बेरोजगारी में पूछा मैंने। हाँ जी, आप बता रहे हैं बेरोजगार, मैं ये कहता कितने खाली है, इनको रोजगार देंगे कि नहीं देंगे, जो पद खाली उन पर भरेंगे कि ना भरेंगे। आपके अध्यक्ष महोदय सरकार द्वारा दिए गए रोजगार की विभाग अनुसार संख्या कितनी है वो हमने आपको दे दी, अब आप पूछने लगे दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न तो आप अलग से पूछे, उसकी जानकारी फिर उसके बाद दे दूंगा। अब ये तो मैं कैसे बता सकूं दुकान से 8.5 लाख बढ़ते बेरोजगार, ये इनका क्या करोगे ये पूछना। नहीं, जो दिए गए आपने वही पूछा था, वही मैंने दे दिया। अगर आप ये पूछते कि रिक्त पद कितने हैं फिर मैं उसकी जानकारी देता। ये जो भर्ती किए हैं आपकी एक पॉलिसी है आउटसोर्स की, इसमें 70,000 रुपए 80,000 रुपए एक साल के लिए तो भर्ती करते, इतना रिश्वत का रेट है इनका, आप तसल्ली कर लो। क्या इसको स्क्रैप करके इसी ढंग से भर्ती करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, उसमें भी सरकार ने उस पर निर्णय ले लिया और अपनी एक संस्था बनाया के वो भर्ती करने लग रही। अगर कोई इस प्रकार की ये स्कीम कोई हमने नहीं शुरू करी, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कोई हमने नहीं शुरू करी, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे आउटसोर्स की, आउटसोर्स की आपके टाइम में भी आउटसोर्स पे भर्ती होती थी, हमारे टाइम में भी आउटसोर्स पे भर्ती है। एक साल का कोई अलग नहीं किया हमने, नया कुछ नहीं किया। आपका ये रेट नहीं सुना, आप ये बता रहे हो ये एम्प्लॉयमेंट जो है कितने परसेंट स्टेट का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है कितने परसेंट? ये पूछा ही नहीं आपने। भारत भूषण बत्रा जी, आपका प्रश्न क्या है वो पढ़ लो पहले ना। 1121 शिक्षा मंत्री जी, नहीं प्रश्न जो पूछा उसका जवाब भारत भूषण बत्रा जी। अच्छा, भारत भूषण बत्रा जी ने पूछ लिया जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं वेट ही कर रहा था उनका। क्या श्रीमान जी, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा दो राजनीतिक कार्यक्रम चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में क्रमशः दिनांक 9/12/2019 और 11/7/2021 को आयोजित किए गए,
जननायक जनता पार्टी के छात्र संगठन इनसो ने दिनांक 5/8/2021 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के टैगोर सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया था। कह ख जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने दिनांक 9/12/2019 को करवाए गए कार्यक्रम के लिए एक मुस्त राशि 69,000 का भुगतान। जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिरसा ने दिनांक 11/7/2021 को कराए गए कार्यक्रम के लिए एक मुस्त राशि 69,000 का भुगतान। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने दिनांक 5/8/2021 को आयोजित कार्यक्रम के लिए रुपये 1,70,000 का भुगतान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को किया है। जननायक जनता प्रश्न ग जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के लिए सिद्ध चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति को आवेदन किया था और कुलपति ने इसके लिए अनुमति प्रदान की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम आयोजन की अनुमति हेतु अनुरोध जिला प्रशासन ने किया था, क्योंकि जिला प्रशासन ने कहा कि बाहर करना सुरक्षित नहीं है कार्यक्रम, इसलिए उन्होंने कहा कि आप निष्ठिय हाल में प्रोग्राम करें, तो माध्यम से कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम विश्वविद्यालय में बहुउद्देश्य हाल में करवाने हेतु प्राप्त हुआ था तथा कुलपति ने इसके बारे में सहमति प्रदान की थी। अध्यक्ष इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम के लिए कुलपति को आवेदन किया, उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान की थी। पैसे तीनों जगह से बिल्कुल आ चुके। शुक्रिया मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये प्रश्न जो है वो हमारे गुड़गांव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पानी की जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो पूरे देश को ही पता है कि गुड़गांव के अंदर हाईवे और उसकी क्या स्थिति हो जाती है थोड़े से टाइम में ही बारिश में। पहले तो सिर्फ हीरो होंडा चौक ही जाम होता था, अब तो 37 ऐसे चौक है जहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से जाम लग जाता है थोड़ी सी बारिश में। पीछे तो राजीव चौक पे एक ऑटो वाला जो है वो उसके अंदर जाने के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई, और आज के टाइम में इतना टैक्स पे करने के बाद भी जो है ट्रैक्टर से जो है वो हमारे यहाँ पे वाटर पंप लगा के और एक वो देसी सा जुगाड़ किया हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स की जो संख्या है वो पूछने का विषय जो है वो इसलिए भी है क्योंकि जो गुड़गांव का जो पानी का जमीन का जो स्तर है उसका स्तर कितना नीचे चला गया है वो हम सब इससे अवगत हैं, तो और उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग की समस्या का हल भी उसी से है। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि जो ये 404 की जो संख्या बताई, इस तरीके से अगर जो यूएलवी डिपार्टमेंट इस समस्या को देखेगा तो इसका समाधान नहीं है। एक्चुअल में ये पिट 404 नहीं है, ये जितनी भी अर्बन लोकल बॉडी के अंदर रिहायशी इलाके हैं, सोसाइटीज हैं, मकान है, सबको ओसी जब ही मिलता है जब वो अपने घर के अंदर। अध्यक्ष महोदय, जो राकेश दौलता वादिय विधायक जी ने बताया है बिल्कुल ठीक कहा है। ये मैंने सरकारी उनको जगह को बताया जहाँ संचयन, जहाँ पानी नीचे जाता है सरकारी संस्थाओं में है, और ये 404 है जहाँ 800,000 लीटर पानी प्रति घंटा के हिसाब से नीचे पानी जाता है। और जहाँ राकेश जी ने कहा है कि कोई नक्शा पास होता है 100 गज से प्लॉट से ऊपर, 100 गज का हो, 150, 200, 500, 1,000 जो भी हैं, तब तक उसको कंप्लीशन अच्छा पास है जब तक वो नीचे पानी के लिए, जब तक उसका है रेन हार्वेस्टिंग नहीं होता और तभी कंप्लीशन मिलता। ये हर उसमें प्लॉट में है। और जहाँ इन्होंने प्राइवेट उसकी बात की थी, ये जो 800,000 लीटर पानी प्रति आवर्स के हिसाब से नीचे जाता है, और जहाँ इन्होंने पानी की उसकी बात कही है राकेश जी ने कि पानी भर जाता है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है अभी जहाँ पानी भरता है नेशनल हाईवे, इसमें कमेटी गठित करती की है अपने 5 लोगों की, जिसमें GMD है, MC गुड़गामा है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण DLF है, और इरिगेशन भी है इसमें, पब्लिक हेल्थ भी है। ये पांचों सातों इसमें कमेटी में है कि पानी टीम मिलकर इकट्ठी पानी का, जो भी पानी की निकासी है हाईवे पे या दूसरे रोड में पानी निकासने का काम करते हैं, क्यों एक दूसरे पे डालने की बात नहीं है, नेशनल हाईवे देखेगा, पब्लिक है, सारे इकट्ठे मिलकर इस पानी को निकासी का काम करते हैं और पानी को पहुंचाने का काम करते हैं। 3 उनसे
मंत्री जी बहुत अच्छा लगा कि आपने चीज को इतनी गहराई से समझा, लेकिन विषय फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जो 404 हैं वो 2019 में हुड्डा से एमसीजी के पास आए थे और 267 थे ये पिट्स पहले जो उस टाइम पे हुड्डा से एमसीजी के पास आए थे, उसमें से सिर्फ 35 से 40 काम कर रहे हैं, पहली बार जिस 404 की बात कर रहे हैं। उसके अलावा 35 से 40 के अलावा 250 का और पिट्स का जो है वो कहते हैं कि भाई अब हम एक और टेंडर निकाल रहे हैं। हमारे पास जो पहले ही ऑलरेडी स्ट्रक्चर है जिसमें 12 से 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उसको हमने क्या करेक्ट किया बरसातों से पहले, ये प्रश्न है सर। 250 का हम और खर्चे के लिए तैयार हैं, क्या वो भी अगले सीजन के अंदर हम वो वर्किंग होंगे नहीं होंगे? और अगली असली जो समस्या है वो इससे भी नहीं है साहब, आज जो है बड़ी अच्छी तो बात ये है कि हमारे जीएमडी के सीईओ जो है वो चेयरमैन जो है मुख्यमंत्री जी हैं। असली प्रॉब्लम है कि हमारे अरावली से जो है पानी का जो फ्लो है वो आता है सेक्टर 4-9 की तरफ से होते हुए और नजोगढ़ ड्रेन की तरफ, ये तीन लेन है, लेग्स है, लेग 1, लेग 2, लेग 3, इन तीनों की जो कैपेसिटी है वो हमारे उस पानी के को ले जाके उस तक ले जाने की नहीं है, वो ओवरफ्लो होता है और जमीन पे पानी आ जाता है। तीसरी समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ पे ये वो कैपेसिटी जो है वो बनानी पड़ेगी, और वो कैपेसिटी क्यों नहीं बन पा रही है कि जीएमडीए के पास फंड्स का जो एक फ्लो है वो उतना जो है उस तरीके से नहीं आ पा रहा है, क्या रीजन है वो है, उस पर काम करने की जरूरत है। इसी तरीके से जो वेर वाटर हार्वेस्टिंग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या है कि जो कंपनीज को जो काम दिया गया है वो क्या कर रही है साहब कि जो रेतीली मिट्टी है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, पथरीली और जो जो ये इसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी इसके ऊपर पानी ऊपर ही रह जाता है, और वो इस तरीके से उनको जमीन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी जमीन पे हमारे को वो पानी जो है वो हार्वेस्ट करने के लिए उपयुक्त है। तो अभी हमारे को यूएलबी डिपार्टमेंट को काफी मेहनत करने की जरूरत है जिससे कि अभी हर साल अगली बार पूरा ये साल हमने फॉलोअप करने के बाद भी अभी भी अब की बार बरसातें जो है वो 2-3 एक्सक्यूज हम दे पाए कि भाई अकस्मात बहुत ज्यादा उस दिन बारिश हुई। एक अध्यक्ष जी, राकेश जी का सवाल बिल्कुल इस प्रश्न से अलग है जो नजफगढ़ झील की बात कर रहे हैं, जब पानी की तीन लाइनों का पानी जाता है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन 3 कि वहाँ की बात करें जहाँ एरिया सबसे ज़्यादा झील का इलाका है, जहाँ एनजीटी का भी केस चला हुआ है जिस पे, और उस पर क्या है कि जहाँ पे कमेटी हमने बनाई है, कमेटी उसमें बनाई है, जो नाले हैं जल्दी उनको जो नाले हैं जो तीन जाते लाइनों से वो पानी जाता बारिश का गांव में भरता हुआ चला जाता है और गांव की फसल को बिल्कुल ठीक का है, गांव की फसल को ख़राब करता है, सारे क्षेत्र को ख़राब कर देता है। एक वो भी जगह जगह टूटी हुई लाइन 1, 2, 3 कमेटी उसमें गठित की कर दी गई है, उस कमेटी की गत पर उसमें अपना कमेटी में जो लोग हैं उसमें सारे करके मेरे पास पूरा नक्शा है, तो इससे करके जो भी कमेटी जल्दी रिपोर्ट करके राकेश जी रखा जल्दी से कराने काम कर रहे हैं। मंत्री जी शुक्रिया, लेकिन कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया गया था साहब, फिर भी इसमें राकेश जी पॉल्यूशन के हैं, दूसरे अधिकारी हमने अपने वो रखे जल्दी, इसका इससे पैसा भी लगेगा, पैसे का इंतजाम जल्दी ही से कराते हैं। अध्यक्ष जी, ये जून जुलाई के महीने में ये हाल हुआ हमारे प्रदेश के अंदर कि गरीब आदमी जो है 11.40 लाख जो है बीपीएल परिवार, उनको जो है सरसों का तेल का तड़का नहीं मिला, इतना बुरा हाल हुआ, ना नमक मिला ना तेल मिला। अब जिस तरह से बम्पर क्रॉप जो है हरियाणा के अंदर उसकी पैदावार हुई और उसके बाद जो है गरीब को जो है उसको वंचित रखा जाता है, अमीर आदमी तो वैसे ही नहीं खाते, गरीब आदमी जो है थोड़ा बहुत अपना तेल के साथ दाल तड़का लगा के अपना काम गुजारा कर लेता है। तो उसको ना तो उसको जो सरकार ने जो कहा था कि 250 रुपये उसको दिए जाएंगे उसके खाते में डाले जाएंगे, वो आज तक उसको जो है मैंने पता करा बहुत चुनंदे लोगों के पास गए हैं, सबके पास नहीं गए, 250 रुपये नहीं गए। और फिर 250 रुपये भी जो आपने जो निर्धारित करे हैं सरकार ने, सच्चाई ये है कि हैफेड का रेट जो है वो 180 रुपए है, तो 110 रुपए तो उस बेचारे गरीब को अपनी जेब से ही निकालने पड़ते हैं। कोरोना की महामारी का समय है अध्यक्ष जी, बेरोजगारी का आलम है, बुरे हाल हो रहे हैं, और ऊपर से जो है गरीब आदमी जो 20 रुपए प्रति लीटर तेल खरीदा करता था उसको 110 रुपए प्रति लीटर खरीदना पड़ रहा है, तो इसका मतलब सॉरी 110 रुपए जो है उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो अध्यक्ष जी ये कहाँ का, ये तो बहुत जाती है गरीब परिवारों के साथ,
बीपीएल परिवारों के साथ, और ये सरकार जो है इसको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मुझे बताइए क्या कर रहे हैं आप। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बड़े तड़के लगा के सरसों के तेल की बात करी। माननीय सदस्य पिछले सेशन में बोलते थे कि एमएसपी मिलेगा नहीं, और इस बार ये हालत थी कि सरसों एमएसपी से भी 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल महंगी बिकी, और उस कारण प्रदेश की सरकार को एफेड को सरसों मंडी से मिली नहीं। मगर क्योंकि हमारी एफेड प्रिक्योर करके सरसों और उसके तेल को बीपीएल परिवारों को देती थी, और उसके अंदर कुल सब्सिडी जो हमारे प्रदेश में दी जाती थी वो 200 कुछ रुपए प्रति 2 लीटर के ऊपर थी। हमने उससे भी फालतू 250 रुपए प्रति फैमिली ये निर्णय लिया कि हम डीबीटी करके बीपीएल परिवार जो लगभग 11,40,000 के लगभग है उनके खातों में देने का काम करें। और माननीय सदस्य ने कहा कि चुनिंदा परिवारों को, मैं इनको करेक्ट करना चाहूँगा, 5 लाख से ऊपर परिवारों के खाते में पिछले महीने और इस महीने दोनों महीनों का पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। मैं अभी आ रहा हूँ, आप इतने जल्दी जल्दी उत्साहित होके ना पूछिए। 2,20,000 परिवारों के हमने आधार के साथ जो लिंक्ड खाता नंबर है उनके लिए आज, क्योंकि सोमवार है, पैसा पुश कर दिया, अगले 2 दिनों के अंदर पैसा मिल जाएगा। कई ऐसे परिवार हैं जिनके खाता नंबर ना तो आधार के साथ ना राशन कार्ड के साथ लिंक है। हमने स्पेशली ओवरनाइट meraparivar.haryana.gov.in के अंदर वेब पोर्टल बनाया जो आपके मोबाइल से भी ऑपरेट होता है, आपकी लोकल CHC से भी ऑपरेट होता है, और आप जाकर अपना अकाउंट उस पर अपडेट करा सकते हैं। और माननीय सदस्य के संज्ञान में जरूर लाना चाहूँगा कि किसी का 250 रुपया मरेगा नहीं, चाहे वो पिछले महीने का हो, चाहे इस महीने का हो, चाहे इससे अगले महीने का। अगर कोई भी परिवार अपने राशन कार्ड का अकाउंट से लिंक 4 महीने बाद भी कराएगा तो उसको 4 महीने 250 के हिसाब से 1,000 रुपया हमारी सरकार डीबीटी करने का काम करेगी। और ये इसीलिए करेगी कि कोई परिवार अपनी चॉइस का सरसों का तेल, चाहे वो एफेड का खरीदना चाहे, चाहे किसी बड़ी कंपनी का खरीदना चाहे, चाहे लोकल सप्लायर का खरीदना चाहे, वो खरीद सकता है। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया था, क्योंकि सरकार की गवर्नमेंट एजेंसीज के पास इस बार सरसों नहीं आई, और हम अगर मार्केट से प्रोक्योर करते और फिर प्रोक्योर करके पिसाई कराते, बॉटलिंग कराते और उसको बीपीएल परिवारों तक पहुंचाते तो उसका आउटपुट कॉस्ट आज मार्केट सप्लाई के आउटपुट कॉस्ट से बहुत अधिक होता। और उसी लिए सरकार ने फैसला लिया कि 250 रुपये सभी बीपीएल परिवार, 11,40,000 प्लस बीपीएल परिवारों के खाते में 250 रुपये हम देने का काम करें। जी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 250 रुपये उनको मिलेंगे, अब जून से जो है अभी तक तो मिले नहीं है, जब मिलेंगे जब पता चलेगा, नंबर वन। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गरीब है उसकी जेब में खोटी चवन्नी तो होती नहीं बेचारे के, उसको आप अगर ये स्टैगर करके इस तरह से दोगे, 1,000 रुपए बाद में दोगे, तो वो तो भूखा मर के होलेगा, उसका तो दिमाग, वो तो बिल्कुल ही बुरे हाल हो जाएंगे। और दूसरा जो ये इंटरनेट और ये इसकी बात कर रहे हैं, वो ऑनलाइन और ये सारा कुछ, आधे टाइम तो ये इंटरनेट सर्विसेज चलती नहीं है अध्यक्ष जी, गरीब आदमी वैसे ही है, उसके पास टेलीफोन का कोई सुविधा नहीं है, कुछ वो नहीं है। आज के दिन आप जानते हो 11.40 लाख परिवार ऐसे हैं अध्यक्ष जी जिनको ये नहीं मिला, और ये इस तरह से जो है इसको रफा दफा करना, मैं समझती हूँ हमारे प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो माननीय सदस्य की सोच जरूर दिखती है कि गरीब आदमी इंटरनेट यूज नहीं कर सकता। आज के दिन तो हम सक्षम बना रहे हैं कि जो गांव में जुड़ा हुआ बीपीएल का अनपढ़ व्यक्ति भी है, वो भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर अपने अकाउंट को अपलोड करने का काम करे। दूसरी चीज माननीय सदस्य ने कही कि बैठ जाओ। आप नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरसों का तेल कोई आपके राज्य से नहीं दिया जाता था, वो सरसों का तेल भी सरकार ने देना शुरू किया और पिछले साल भी दिया गया, और आने वाले समय में अगर प्रोक्योरमेंट होगी एफेड द्वारा तो दोबारा हमारी सरकार शुरू करने का फैसला भी लेगी। एक
जहां ये कह रहे थे नमक नहीं देता, हमारी सरकार ने तो जो आज मार्केट में 10 12 14 रुपए का नमक मिलता है उसको भी 4 रुपए से सस्ता ला के बीपीएल पे फेयर प्राइस शॉप में लाकर छोड़ दिया कि गरीब आदमी सस्ता नमक भी ले। एक चीज और, बाजरे की प्रोक्योरमेंट ऐतिहासिक हुई थी पिछली बार, वो भी हमने मंडी के अंदर से लाकर और एक नहीं 5-6 महीनों तक लगातार गरीब आदमी को देने का काम किया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।